तो भाई मेरे पता नहीं दोस्त ने कैसा सा स्पॉन पॉइंट बना रखा है, बट मैं यहाँ पे इधर स्पॉन हो चुका हूँ एंड आई डोंट नो इसके बाद में मेरे को क्या करना है। बट फिलहाल देखते हैं यहाँ पे इसकी। अरे भाई चेस्ट काफ़ी सारी रखी है इसने, पता नहीं भाई इसके अंदर क्या। ओ ओके ओके ओके, मेरे को यहाँ पे स्वॉर्ड तो मिल चुकी है एंड ये ओशन एक्सप्लोरर मैप है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे को एक स्पाई ग्लास भी मिल जाता है, इसको भी उठा ही लेते हैं। एंड आई थिंक इसने काफ़ी सारे सामान ना जो है कलेक्ट करके रखे हुए हैं। सो यहाँ पे बुक्स भी है काफ़ी सारी एंड भी बहुत कुछ है। अरे भाई साहब वाह, नाइस नाइस नाइस। अपना क्या जा रहा है गाइस? लेकिन यार चोरी वोरी ना अभी नहीं करनी अपने को, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओ भाई साहब क्या क्या है भाई इस पे। लेकिन भाई चोरी वोरी अभी नहीं करनी, नेक्स्ट एपिसोड में चोरी वोरी करेंगे। बट उससे पहले नीचे चलते हैं एंड देखते हैं भाई रास्ता किधर है। अच्छा सो ये घर है, सब्सक्राइब टू। अरे भाई साहब इसने तो यार अपने चैनल का प्रमोशन भी कर रखा है। एंड ये क्या है भाई, इतने सारे शल्कर बॉक्स कहाँ से आ गए भाई इस पे? लगता है ये बंदा कुछ तो हलचल मचा रहे हैं यहाँ पे। एंड इधर भाई फुल नेदरराइट का आर्मर भी है, इसको भी हम लोग बाद में चुराएंगे, फिलहाल नहीं चुराना भाई वैसे तो। सबसे पहले तो भाई यहाँ से जल्दी से चलते हैं एंड ऑल राइट, इधर से बाहर निकल सकते हैं क्या हम लोग? एंड फिलहाल तो भाई अभी बारिश हो रही है गंदी वाली एंड ऑल राइट, नीचे स्केलेटन्स भी है। सो मेरे को लगता है कि मेरे को अभी नहीं आना चाहिए वरना स्केलेटन मेरी बैंड बजा सकते हैं। सो मेरे को सबसे पहले जाके सो जाना पड़ेगा, लेट्स गो एंड जस्ट स्लीप। अरे भाई सो जा यार। ओके सो हम लोग यहाँ पर अभी सो जाते हैं एंड सोने के बाद उठते हैं एंड उसके बाद जाते हैं एंड एक्सप्लोर मारते हैं इसके वर्ल्ड में और क्या क्या है। बाय द वे भाई मैं कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रॉय करेगा यार, मैं बिना डिस्ट्रॉय करे थोड़ी रह सकता है भाई। इस बंदे ने ना मेरी एक बार SMP में पूरा डिस्ट्रॉय मारा था एंड अच्छा हुआ मेरे को उसकी SMP मिल गई। अरे भाई साहब वो तेरे को किसने कहा है मेरे पीछे पड़ने के लिए, निकल यहाँ से भाई। ये इतना प्लेन वर्ल्ड है भाई, ये पक्का चीट्स एनेबल करके खेलता है। हाँ मेरे को लग तो रहा है चीट्स एनेबल करके खेलता है, बट ओके। इधर एक शल्कर बॉक्स वाला चेस्ट है एंड एक नॉर्मल चेस्ट है, मतलब यार वर्ल्ड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वर्ल्ड है SMP है जो भी है, SMP तो बढ़िया है। एंड इसी के साथ साथ भाई इसने इन्फिनिट सोर्स के लिए ये भी बना रखा है, वैसे ये भी सही लग रहा है भाई, ज़्यादा कुछ बेकार चीज़ नहीं है इसके अंदर एंड बस बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये। इसी के साथ साथ इधर विलेजर हॉल है आई थिंक एंड यप ये विलेजर हॉल है, कोई बात नहीं। इसका हम लोग को फिलहाल क्या अचार डालना है, मैं जाके और एक्सप्लोर मारूंगा एंड आगे देखते हो। भाई यहाँ पे घोड़ा भी है भाई का, एक मिनट किधर गया घोड़ा, वही घोड़े इधर आ। इस घोड़े को भाई मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा। एंड एक मिनट भाई सामने लगता एक और है सब्सक्राइब। अरे यार इसने अपना हर जगह चैनल का नाम डाल रखा है भाई, कैसा सा व्यक्ति है रे। एंड इसके बाद यहाँ से मैं घर को खोलता हूँ। ऑल राइट ये भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है भाई, क्या ही बोलूँ भाई, इतना बढ़िया नाइस SMP बना रखी है भाई। मैं सोच रहा हूँ ना इसके वर्ल्ड को सीधा इम्पोर्ट मार दूँ अपनी SMP में, लाइक फिर कुछ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली हम लोगों को। सो फिलहाल यहाँ पे भाई इसने नेदरराइट का बीकन भी बना रखा है, ये तो पक्का ही पागल बना रहा है, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करने वाला लौंडा तो मेरे को नहीं लग रहा। सो आई थिंक इसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। सो आज मैं भाई इन सबको उड़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पर TNT चाहिए। एंड ओ भाई क्या बिल्ड बना रखा यार इसने, लाइक तुम लोग उधर देख लो भाई ये क्या है। ऑल राइट ये बढ़िया लग रहा है मेरे को देखने। अब ना मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ एंड अब मेरे को यहाँ से सब कुछ देखना है। सो यार मेरा रेंडर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, सो मैं ज़्यादा कुछ तो देख नहीं सकता, बट कोई बात नहीं भाई मैं TNT लेके आता हूँ एंड यहाँ से कुछ ना कुछ तो भाई उड़ा के जाऊँगा मैं। सो लेट्स चेक आउट एंड यहाँ से भाई TNT लेके आते हैं वहीं से जहाँ से हम लोग आए थे। भाई साहब मेरे को गन पाउडर तो मिल गया लेकिन TNT या फिर भाई मेरे को यहाँ पर सैंड नहीं मिल रही, लाइक अगर हम लोग को सैंड मिल जाती ना तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता, तो हम लोग अपने सारे काम कर सकते थे अगर हम लोग को सैंड वैंड मिल जाती तो। बाय द वे यहाँ पे ये क्या क्या है भाई, रॉकेट भी काफ़ी ज़्यादा है एंड यहाँ पे एक स्पाई ग्लास भी पड़ा है। इसी के साथ साथ भाई इसके अंदर नेदरराइट के स्क्रैप्स भी पड़े हैं, सो ये भी बढ़िया है। एंड इसके अंदर ऑल राइट मेरे को यहाँ पे काफ़ी सारी सैंड भी मिल चुकी है। सो अब यहाँ पे हम लोग मतलब TNT इसको बना सकते हैं एंड बना के फोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ से इतने सारे TNTs उठा लूँगा ना जितना ज़्यादा उठा सकते हैं एंड इधर से यहाँ से उठा लेते हैं और ज़्यादा सैंड, क्योंकि सैंड की भाई डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। सो चलो यार मैं यहाँ पे तब तक TNTs बनाता हूँ। सो भाई अब मेरे को नहीं लगता कि मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को इधर TNT का डब्बा ही मिल गया डायरेक्ट। सो मैं यहाँ से TNTs ही उठा सकता हूँ। इसी के साथ साथ एक डायमंड वाला डब्बा भी है जिसमें कुछ नहीं है, गॉड एप्पल वाले डब्बे में नॉर्मल एप्पल है। इसी के साथ साथ टोटम्स तो भाई भरे पड़े हैं एंड इसी के साथ साथ एंडर पर्ल्स भी है। इसी के साथ साथ गाइस कुछ शल्कर बॉक्स में यहाँ पे तुम लोगों को TNTs भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। इसी के साथ साथ भाई इसके सारे टूल्स तो हम लोग बाद में चुराएंगे, फिलहाल चुराने लायक कुछ तो है नहीं इसमें, बट यहाँ से ये उठा लेते हैं TNTs को एंड जितने TNT मिल रहा है भाई उतने ज़्यादा रख लेते हैं। एंड इसी के साथ साथ यार मेरे को एक क्राफ्टिंग टेबल ढूंढना है, बट इधर क्राफ्टिंग टेबल अब मिला है मेरे को। सो इस क्राफ्टिंग टेबल से ना मेरे को बनाना है फ्लिंट एंड स्टील
लेकिन उसके लिए भाई मेरे को यहाँ पे ग्रेवल चाहिए होगा एंड आई डोंट थिंक सो कि ग्रेवल मेरे को यहाँ कहीं से मिलने वाला है। सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पे इसको आयरन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसी के साथ साथ भाई ग्रेवल मेरे को चाहिए, सो मेरे को भाई अब ग्रेवल ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो लेट्स गो एंड ग्रेवल ढूंढ के आते हैं। ऑल राइट, मेरे को यहाँ पे ग्रेवल मिल चुकी है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरे को एक बड़ा सा इसका बेस भी दिखा है, सो मेरे को इसको भी चेकआउट मारने का है। लेट्स गो एंड इसको भी चेकआउट कर लेते हैं बाय द वे। एंड यार इस पे रिसोर्सेज काफी सारे हैं, मतलब भाई इस पे काफी सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब इसने ग्राइंड काफी ज्यादा मारा है। अब मेरे को नहीं पता ग्राइंड है या नॉर्मल इसने कुछ किया है, बट फिर भी भाई बहुत कुछ है भाई इस पे। लाइक इसका ये वाला जो पूरा, ओ भाई साहब इसने सारे मॉब्स को यहाँ पे वो भी किया। वे मेरे को क्या देख रही है रे तू? अरे भाई इसने व्हाट इतनी दूर से भी दे देती है क्या माइनिंग फटीग? इसको तो बताऊंगा भाई मैं, रुक जा तेरे को बताता है मैं। एंड इसके साथ साथ भाई इधर काफी सारे मॉब्स है, लाइक मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ इधर कितने सारे मॉब्स है। एंड यस काफी सारे मॉब्स है, बट यार इसको ना मैं अपना सर्वाइवल वर्ल्ड ही बना देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को। इस बेस को तो मैं बिल्कुल भी नहीं उड़ाने वाला, बट हाँ मैं एक और बेस को उड़ा सकता हूँ जो कि उधर है, उसको उड़ाने चलते हैं सबसे पहले तो। बट मेरे को यहाँ पे फ्लिंट मिल चुकी है, सो मैं वापस जाके यहाँ पे बना लेता हूँ अपना क्या कहते हैं उसको, फ्लिंट एंड स्टील। इसी के साथ साथ अब इसके बाद उड़ाते हैं इसका बेस। ऑल राइट, सो मेरे को यहाँ पे अपना विलेजर भाई दिख चुके हैं एंड इनका काम तमाम करते हैं। ओके अबे कितनी बड़ी नॉकबैक थी भाई इस पे, आई डोंट नो कितनी बड़ी नॉकबैक है। अबे तुम मेरे को क्यों मार रही है, निकल यहाँ से, पागलपंतियां मत किया करो भाई मेरे सामने। बट यार मेरे को जो सोच रहा हूँ ना मैं, वो है गाइस बीकन उड़ाना। लाइक मैं इसको अपना सर्वाइवल वर्ल्ड तो बनाने वाला हूँ परमानेंट, बट उससे पहले भाई मेरे को यहाँ पे क्या करना है ना, इसमें से कुछ तो उड़ाने का मांगता है लाइक, जहाँ पे मैं कुछ अच्छा सा बना सकूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ मैं भाई पूरे इस बेस को यहाँ से उड़ा देता हूँ, सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस बेस को उड़ाने में। चलो यार मैं उड़ाता हूँ इसको। राइट, अब हम लोग यहाँ पे उड़ाने का काम शुरू करने वाले हैं, सो लेट्स गो एंड इधर से चलते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं इस खोपड़ी को उड़ाऊँगा एंड ये वाला जो है ना जहाँ से जाने का सिस्टम है उधर को ही उड़ा देते हैं सबसे पहले, तो उधर को उड़ा के काफ़ी ज़्यादा सही लगने वाला है। सो लेट्स गो एंड इधर से थोड़े से TNTs भर देते हैं जितने भर जा सकते हैं, एंड थोड़े से ऊपर भी भर देता हूँ क्योंकि यार ऊपर बचेगा तो ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगेगा भाई। एंड इसको यहाँ से मैंने पूरा का पूरा भर दिया है और तुम लोग बताना। एंड ये देखो भाई आज तो भाई तुम्हारा पार्कोर करके दिखाएगा तुम लोगों को। ये ऐसे दोस्त के SMP को बर्बाद करने में मज़ा आता है। अब यार सुनो भाई, देखो मैं ना इसको बर्बाद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उससे दुश्मन हूँ, लाइक मैं इसको इसलिए बर्बाद कर रहा हूँ क्योंकि मैं इधर कुछ और बनाने वाला हूँ बढ़िया सा। पहले ये भी बढ़िया दिख तो रहा है बट मेरे काम का नहीं है उतना। सो लेट्स गो एंड इसको इधर से TNT से भर देते हैं। ऑल राइट एंड मेरे TNTs भी ख़त्म हो गए, नाइस। एंड ऑल राइट इसको यहाँ से भर देते हैं पूरा का पूरा TNT से, एंड इसको भी भर देते हैं जितना भर सके उतना ज़्यादा भर देते हैं, है ना, और क्या ही जाएगा भाई अपना तो। वैसे भाई मेरा डिवाइस जाके लैग हो जाएगा बट कोई नहीं भाई, डिवाइस लैग का करना क्या है अपने को। इसको भर देते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों का काम हो चुका है एंड हम लोगों ने बिल्कुल देख लो भाई किस तरीके से TNT इसको बिछा दिया है, एंड अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसको फोड़ने के लिए। सो मेरे को तो भाई कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि भाई अपना काम नहीं हो पाएगा क्योंकि यार इधर ये तो भाई पूरा कनेक्टेड ही नहीं है। सो मैं सोच रहा हूँ ना इन सबको एक लाइन में कनेक्ट कर देता हूँ एंड इससे भाई काफ़ी ज़्यादा OP वाला लुक आएगा इसका एंड मज़ा भी तो आएगा। सो भाई हम लोग यार ये मज़े के लिए कर रहे हैं जस्ट फॉर फन, एंड इसको और जगह भी लगा देते हैं जहाँ जहाँ हम लोग लगा सकते हैं उधर उधर लगा सकते हैं एंड लगा देते हैं। बाय द वे यहाँ पे हम लोगों ने हर जगह इसको लगा दिया है। इसी के साथ साथ मैं एक ऊपर की तरफ में रेल भी बना देता हूँ। ऑल राइट, 1, 2, 3, 4 अपना काम हो गया, अब चलते हैं एंड इसको लगाते हैं जल्दी से आग। सो भाई मैं यहाँ पर रेडस्टोन लगाता तो अजीब सा लगता ना, लेट्स गो मैंने यहाँ पे लगा दी है आग एंड लेट्स चेक दिस आउट क्या होता है। ऑल राइट यहाँ पे फटना चालू हो चुका है एंड ओ भाई ओके यार ये क्या हो रहा है भाई, मतलब अजीब तरीके से नहीं फट रहा है, मेरा डिवाइस क्रैश हो रहा है आई थिंक सो। एंड यहाँ पे तुम लोग देख लो भाई इसका यहाँ पे पूरा का पूरा काम तमाम हो चुका है एंड जो LA था उसका तो नामो निशान तक नहीं बचा इधर कहीं। बाय द वे मेरे को तो देखने में मज़ा आया, तुम लोगों को कैसा लगा भाई ज़रूर से बताना। एंड इतना गंदा लैग क्यों हो रहा है भाई, अरे अब तो भाई सब कुछ ठीक हो गया, अब क्यों लैग हो रहा है भाई, रुक जा यार लैग। ओके काफ़ी ज़्यादा OP है भाई ये, मतलब मज़ा आ गया भाई, मेरा लगभग FPS ही 4 का FPS दे रहा है भाई, इतने TNT फोड़ दिए भाई मैंने। ओके सो भाई इस जगह को हम लोगों ने खंडर बना दिया है एंड इस जगह के अंदर भाई हम लोग और भी काफ़ी सारा काम। ओ एक मिनट इसके अंदर भाई साहब इसके अंदर नीचे केव है, व्हाट
मैं तो सोच रहा था इस पूरे के पूरे एरिया को खाली कर दूंगा। एंड मैं सोच रहा हूँ ना इसके आगे मेरे और सारे प्लान्स हैं कि मैं इसके अंदर क्या क्या करने वाला हूँ। सो गाइस ये वाली वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर से बताना। नेक्स्ट वीडियो भी तुम लोगों के लिए लेके आएंगे बढ़िया वाली, एंड कमेंट करके ज़रूर से बता देना कैसी लगी है तुम लोगों को ये वाली वीडियो। सबसे पहले तो गाइस बस भाई इतना ही आज की वीडियो में, मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एंड ये ट्रेडर दोबारा से कैसे आ गया, एक मिनट रुक जाओ भाई। ये एंड इनके भाई ये चूजे होते हैं ना, इनको भी बताऊंगा मैं। निकल यहाँ से निकल, ऐसी तेरी तू मारेगा मेरे को, आ जा चल ले। ओके एंड मेरे को एक और सामने कैमल दिखता हुआ मिल रहा है, सो इसका भी काम तमाम कर देते हैं हम लोग। वे व्हाट भाई साहब, मैं तो खुद ही जल गया अपने ट्रैप में। ये देख रहे हो कैसे खुश हो रहा है, इसको तो तेरी तो ऐसी की तैसी नुबड़े। ओए भाग गया, रुको भाई इसको TNT लगा के ही उड़ा दूंगा आज तो मैं। हाँ मार मार, आ जा रुक जाओ इसको अपने पास बुलाता हूँ मैं, आ जा लेट्स गो। अपना काम हो चुका है। ओ भाई साहब मजा आ गया भाई, मजा ऐसे ही तो अपने को चाहिए मानता है। एंड ये वाला जो एक कुत्ता है ना इसको भी जला देते हैं। तू तेरा काम तो कुछ है नहीं रे, क्या हैकर निकल, हैकर तू क्या है रे बॉब, तू भी निकल बॉब। ऑल राइट अपना काम हो चुका है गाइस सर्वाइवल वर्ल्ड का। एंड ये जो जितने भी गड्ढे हम लोगों ने किए ना इन सबको बाद में भरेंगे बाय द वे। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।